सवाल कर सकती हैं। हेलो सर, पालक लालका फ्रॉम हार्वर्ड। आई एम अ स्टूडेंट। आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग अबाउट द पर्सन हु सेड लाइक फर्स्ट आस्क्ड यू द क्वेश्चन अबाउट आइडल वर्शिप। आई एम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड I just remember something that my aunt once told me and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we see, we have a picture of them or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धर्म किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेता सेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तत्स्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पर लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, पहले पहले शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है। हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, आठवीं नौवीं दसवीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2+2=5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, दसवीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2+2=5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2+2=4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगु होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पर लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में जीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगम्बर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? सर, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड। माशाल्लाह, आप एग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ इट। So honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita. And when Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? Sir, I would like to say the reason I believe in idol worship. It is
When I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish. You will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you'll go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You're going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you're satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister.